अगर दोस्तों आप भारत के वीर जवानों की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे कैप्टन अनुज नायर जी के बारे में। उन्हें किस युद्ध के लिए मिला था महावीर चक्र? कैप्टन अनुज नायर अपनी बचपन की दोस्त से सगाई के लिए घर जाने वाले थे, तभी युद्ध छिड़ गया और उन्हें मोर्चे पर कारगिल जाना पड़ा। टाइगर हिल के पश्चिम में 0.4875 के एक हिस्से पिंपल कॉम्प्लेक्स को खाली कराने की जिम्मेदारी 17 जाट रेजिमेंट के कैप्टन अनुज नायर को दी गई। 0.4875 की यह पोस्ट 6000 फुट की ऊंचाई पर थी। इसे जितना बेहद जरूरी था ताकि आगे की राह को आसान बनाया जा सके। एक दल के साथ कैप्टन नायर ने 6 जुलाई की रात को चढ़ाई शुरू की। कदम कदम पर मौत से सामना होना तय था, लेकिन कैप्टन नायर साथियों के साथ आगे बढ़ते रहे। कैप्टन नायर की सोच थी कि किसी भी तरह से इस पोस्ट को खाली करवाना है, जिसके लिए वह साथियों के साथ दबे पाव आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच दुश्मन को इनके दस्तक देने की आहट मिल गई और उसने अनुज की टीम पर फायर शुरू कर दिया। कैप्टन ने साथियों के साथ मिलकर दुश्मन को करारा जवाब दिया और अकेले ही पाकिस्तान के 9 घुसपैठियों को मार गिराया। अनुज और उनके साथियों ने बाकी पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे खदेड़ दिया। पीपल टू पर 17 जाट ने लगभग विजय प्राप्त कर ली थी। घायल हो चुके कैप्टन अनुज नायर ने मशीन गन से बंकर को भी तबाह कर दिया था, लेकिन विजय का तिरंगा फहराने के लिए वह आगे बढ़ ही रहे थे कि दुश्मन का एक ग्रेनेड सीधा उनके ऊपर पड़ा और वह शहीद हो गए। इस बीच पाकिस्तानी घुसपैठियों ने वापस आकर 0.4875 पर कब्जा करना चाहा, लेकिन पीछे से दूसरी टीम के साथ कैप्टन बत्रा पहुंच चुके थे। उन्होंने घुसपैठियों का काम तमाम कर दिया, लेकिन तिरंगा फहराने से पहले वह भी दुश्मन की गोलियों की बौछार से शहीद हो गए। हालांकि 4875 पर 7 जुलाई को ही झंडा फहरा दिया गया। कैप्टन अनुज नायर को युद्ध में वीरता, शौर्य और कर्तव्य के प्रति उन्हें भारतीय सेना के दूसरे सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।